सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमेशा अप टू डेट रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्लेसमेंट इन IIT, NIT और IIIT जैसे इंस्टीट्यूट के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट प्रोसेस इन IIT, NIT और IIIT में। देखिए, चाहे जितना भी लोग बोले कि एक जो स्टूडेंट होता है वो विदाउट IIT के भी एक अच्छा प्लेस हो सकता है, ये बात सही है। पर जब आप IIT, NIT या फिर IIIT में जब स्टडी करने लगते हो तो आपको पता चल जाता है कि प्लेसमेंट आखिर काम कैसे करता है। अगर आप IIT, NIT, IIIT में हैं तो आप मान कर चलिए कि आपको प्लेसमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है इस तरीके के इंस्टीट्यूट में कि आपको किसी ना किसी कंपनी में आप प्लेस हो ही जाते हो। आखिर क्या कारण है कि कंपनी एक IIT, NIT कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करती है इन रिस्पेक्ट टू प्राइवेट कॉलेज? तो देखिए, IIT, NIT, IIIT जो कॉलेज होते हैं, सबसे पहले तो वो तो नेशनल इम्पोर्टेंस के अंतर्गत आते हैं। नेशनल इम्पोर्टेंस आखिर होता क्या है? तो देखिए, नेशनल इम्पोर्टेंस एक इस तरीके के इंस्टीट्यूट को बनाया जाता है जिसमें आपके जो भी स्टूडेंट वहाँ से पास आउट होते हैं वो देश के विकास में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं। और इसी के चलते जो गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा IIT, NIT या फिर किसी भी इस तरीके के इंस्टीट्यूट को काफ़ी ज़्यादा फंड प्रोवाइड कराती है। उसके बाद में यहाँ के जो एलुमनी होते हैं, जो यहाँ के सीनियर होते हैं, वो काफ़ी पहले ही अच्छे अच्छे जगह प्लेस हो जाते हैं, जैसे कि कई कई बड़ी बड़ी कंपनी में, जैसे गूगल में, फ्लिपकार्ट में, अमेजॉन में। तो इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद भी मिलती है। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो हार्ड वर्किंग के तौर पर यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो सेल्फ लर्नर होते हैं। वो आपके प्रोफेसर या फिर किसी पे भी ज़्यादा डिपेंड नहीं होते हैं, वो खुद से हर चीज़ वो सीखना चाहते हैं। इसकी वजह से उनकी जो एक हैबिट है वो बिल्डअप हो जाती है और वो जो भी काम करते हैं वो सोल्यूशन ओरिएंटेड उनकी माइंडसेट बन जाती है। गाइडेंस के तौर पर अगर मैं बात करूं तो IIT, NIT, IIIT जैसे इंस्टीट्यूट में आपको जो गाइडेंस मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपको गाइडेंस सही ना मिले, अगर आपके पास टाइम, मनी सब कुछ है, अगर आप गाइडेंस अगर आपको सही से नहीं मिल पाती तो आपका टाइम, मनी सारा चीज़ जो है वो वेस्ट चला जाता है। उसके अगर हम अदर साइड पे देखें तो इन इंस्टीट्यूट में टाइम टू टाइम कल्चरल फेस्ट होता है और आपको एक ऐसा एक्सपोजर मिलता है जिससे कि आप अपना खुद को एक इस लेवल पे इम्प्रूव कर लेते हो कि आप कोई भी काम को काफ़ी अच्छे तरीके से करना आप इसमें सीख जाते हो। आज जो भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उनके मैनेजर IIT, IIM, NIT या फिर IIIT जैसे संस्थानों से पास आउट होते हैं, जिनके कारण जब भी वो कंपनियां आती हैं तो वो उन्हें फोर्स करते हैं कि आप इस इंस्टीट्यूट में जाइए और यहां से हायर कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मनु जैन को ले लीजिए, फ्लिपकार्ट, पेटीएम को ले लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि IIT, NIT और IIIT आपको एक ऐसा माइंडसेट तैयार करता है जिससे आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनते हो, और यही कंपनी को भी तो चाहिए। और मुझे आप खुद बताइए कि अगर आपका खुद का कंपनी है जहाँ पर लेजी वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, तो जिनका कम्युनिकेशन स्किल कुछ है ही नहीं, उनमें मैनर नहीं है, काम करने का कोई भी पैशन नहीं है, तो वो कंपनी कितने दिन तक चलेगी? इसी की वजह से कंपनी जो होती हैं वो 50 एम्प्लॉय को हायर करने के बजाय IIT से 10 एम्प्लॉय को हायर करना चाहती हैं, क्योंकि वो 10 एम्प्लॉय आने वाले, अगर आप किसी थर्ड साइड से भी अगर आप एम्प्लॉय के लेते हैं तो वो उनको ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है, और काम करने में माहिर होते हैं, जो कि आपको IIT, NIT कॉलेज में बड़े आसानी से मिल जाते हैं। आपको सिर्फ करना ये पड़ता है कि पढ़ाई को लेकर के आपको बस हार्ड वर्क करना पड़ता है। इवन जो स्टूडेंट पुअर होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई स्टूडेंट होता है जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल उनका कंडीशन वीक होता है, तो वैसे स्टूडेंट भी यहाँ पे आकर के उनको सपोर्ट मिलता है, लोन मिलता है। इवन यहाँ पे कॉलेज भी स्कॉलरशिप देती है अगर आपको लोन नहीं मिलता है, लेकिन लोन जो होता है वो काफ़ी आसानी से इसमें पास हो जाता है, आपको मिल जाता है। उसके बाद में फॉरेन स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो इसमें अगर आपको फॉरेन स्कॉलरशिप भी लेना है तो IIT, NIT में आराम से मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में अगर इंडिया अगर चाहता है कि अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कराना तो IIT, NIT, IIIT को ही रिप्रेजेंट करता है। इसकी वजह से होता यह है कि जैसे कि US की कोई यूनिवर्सिटी होगी तो IIT, NIT से ही टाई अप करेगी, ना कि आपके कोई प्राइवेट कॉलेज से। अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में स्टडी करते हैं तो TPO ऑफिस में काफ़ी उनको काम करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हर वो
हर कंपनी से उनको बात करना पड़ता है कि मेरे पास इस तरीके के स्टूडेंट हैं, मुझे इस तरीके के आपको काम करने लायक अच्छे स्टूडेंट मिल जाएंगे। लेकिन आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि टीपीओ वहाँ पे खुद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि उनका जो पीछे का हिस्ट्री होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जो पहले के स्टूडेंट जो पास आउट हुए हुए होते हैं वही उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और वो फोर्स करते हैं कि आप इस इंस्टीट्यूट में जाइए। तो एक यहाँ पे सीनियर का भी बहुत बड़ा फैक्टर और रोल प्ले होता है जब कोई कंपनी आपके इंस्टीट्यूट में आती है तो। लेकिन ये एक 100% सच बात ही है कि अगर आप आईआईटी एनआईटी और आईआईटी ट्रिपल आईटी जैसे जगह पर अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो आईआईटी भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज़ एक कॉलेज उनके स्टूडेंट से बनता है। जो स्टूडेंट आईआईटी जेई क्रैक करके जाते हैं उनको अपने ऊपर बिलीव हो जाता है कि नहीं, मैं ये वर्क पूरा कर सकता हूँ। उनके डीएनए में हार्ड वर्क का जीन क्रिएट हो जाता है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं और उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई अप हो जाती है। इसलिए आप भी जीवन में एक अच्छे कॉलेज में जाने का प्रयास करें। कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि नॉलेज मैटर करता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नॉलेज के साथ साथ कॉलेज भी मैटर करता है। बिकॉज आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाता है जिसमें आप अपने को टाइम एनर्जी मनी के साथ साथ आप सही डायरेक्शन पे चलते हुए आप अपने गोल को अचीव कर पाते हो। जबकि प्राइवेट कॉलेज में आपको डायरेक्शन में लगने और सारा चीज़ आपको खुद करना पड़ता है, तो एक आपका जो बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी होता है वो डायरेक्शन में चला जाता है और इसकी वजह से आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। देखिए आईआईटी और एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी में प्लेसमेंट के तौर पर मैं कंप्यूटर साइंस को अभी ले रहा हूँ। तो देखिए जितने भी अच्छी अच्छी कंपनी है जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, इवन गूगल भी अब एनआईटी में भी और आईआईटी में भी आना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरीके के अगर आप इस इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको सीनियर एक ब्रीफिंग लेते हैं, टीपीओ का उनका खुद का ब्रीफिंग होता है। उसमें आपको ये पूरी की पूरी हर चीज़ बता दी जाती है कि कौन कौन सी कंपनियाँ नॉर्मली आती हैं, और इस तरीके से आपको ये इन्फॉर्मेशन पता हो जाने के बाद में आपको गूगल फॉर्म के जरिए आपको टीपीओ ऑफिस से आपको लिंक कर दिया जाता है। कोई भी ईमेल या फिर कोई भी कंपनी अगर आप में आती है आपके कॉलेज में तो आपको उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और इसके जरिए आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी इसके पीपीटी के जरिए से हम लोग इसमें सीख लेते हैं, ठीक है। होता यह है कि कंपनी जो है वो आप में हमेशा टाइम टू टाइम पर आती रहती है, और जो कंपनी का जो टाइम होता है वो आपका जुलाई से लेकर के इवन वन मंथ, टू मंथ या फिर थ्री मंथ तक ये आईआईटी एनआईटी या फिर ट्रिपल आईआईटी में प्रोसेस होता रहता है। तो कोई भी जो कंपनी आती है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग अलग होती हैं, वो अलग अलग कैंडिडेट को हायर करती हैं और टीपीओ ऑफिस में वो जा कर के अपना मुझे बता देती है कि मुझे इतने इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है, इस काम के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है। तो टीपीओ ऑफिस के बाद में आपको एक गूगल फॉर्म या फिर कोई भी ईमेल या फिर कोई भी पोर्टल पे आपको लॉगिन कराया जाता है। उसमें आपके रिज्यूम को और उसमें आपके रिजल्ट को देखा जाता है। तो रिजल्ट में कम से कम अगर आप आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में हैं तो ये मान के चलिए कि 8 पॉइंटर अगर आपका है तो आप सेफ जोन में हो। अगर उससे कम है तो कुछ कंपनी आपको हो सकता है हायर ना करें, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा कंपनी होती हैं वो 7.5 तक भी नॉर्मल आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं। उसके बाद में आपको वो रिज्यूम देखती हैं कि आपका रिज्यूम स्ट्रांग है कि नहीं है, आपने प्रोजेक्ट किए हैं कि नहीं है, आप में क्या स्किल है। इस तरीके से वो लोग आपको ये फॉर्म पोर्टल पे फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद वो फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट लेती हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट जो होता है वो आपके किसी इंस्टीट्यूट में होता है, किसी इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर सेंटर नाम का हर एक में इंस्टीट्यूट में वो बिल्डिंग होता है, इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट में ये चीज़ आपको करा दिया जाती है। उसके बाद में ऑनलाइन टेस्ट होने हो जाने के बाद में आपको शॉर्ट लिस्टिंग कराया जाता है, और शॉर्ट लिस्टिंग में आपको ये बता दिया जाता है कि आप उसमें हैं कि नहीं है। ये जो ऑनलाइन टेस्ट होता है इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका हर क्वेश्चन बनना ही चाहिए। इसमें अगर जिनका क्वेश्चन नहीं भी बनता, अगर वो क्वेश्चन एक भी दो बनते हैं तो उनको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाता है। क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड करने का जो मेन मकसद होता है वो आपके रिज्यूम देखा जाता है और पॉइंटर और आपके क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक देखी जाती है। उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट हो जाने के बाद में आपको इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है। उसके बाद में कोई कंपनी होती है जो आपको फर्स्ट राउंड, उसके बाद में सेकेंड राउंड, उसके बाद में थर्ड राउंड तक भी होता है, लेकिन बहुत सारी जो कंपनी होती हैं वो फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद में आपको टीपीओ से, जो आपका कॉलेज का टीपीओ होता है,
वहाँ से आपको एक ईमेल आ जाता है और उसमें आपको बता दिया जाता है कि आपकी जो स्टिपेंड है यानी कि जो तनख्वाह है आपको कितने मिलेगी और कब से आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप क्वालिफाई किए हैं कि नहीं किए हैं। इसके बाद आप जब भी अपना डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उस कंपनी में जा करके नॉर्मल रूप से आप जॉब कर सकते हैं। तो ये एक प्लेसमेंट प्रोसेस होता है IIT और NIT में। नॉर्मली जो होता है प्लेसमेंट का जो टाइम होता है जब आप BTech के 5th सेमेस्टर में चले जाते हैं, MTech के 3rd सेमेस्टर में चले जाते हैं और MCA के 5th सेमेस्टर में चले जाते हैं, तो इसके पहले आपका जो प्लेसमेंट का जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस होता है आपके इंस्टीट्यूट का, वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद में ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए बात करूं तो जो सबसे पहले जो सीनियर का प्रेफरेंस रहता है कि आपके पास जो भी जितना भी समय है आप कंपिटेटिव कोडिंग के लिए आप समय दीजिए और उसके लिए आप लोग हैकर रैंक, हैकर अर्थ जैसे कोर्सशेफ जैसे प्लेटफॉर्म का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस के अगर मैं पैकेज की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस का सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट में हर इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा जो पैकेज आता है वो 30+ लाख का ही जाता है और ये मैक्सिमम कितना भी हो सकता है वो 60-70 डिपेंड होता है कि आपको HR ने किस तरीके से आप में वो क्या स्किल देखा उसके हिसाब से आपकी सैलरी जो है वो तय कर देता है। और अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो अगर गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हैं तो ये प्लेसमेंट इस तरीके का प्लेसमेंट गवर्नमेंट जॉब से 100 times अच्छा होता है बिकॉज फॉर SSC रेलवे की तैयारी में कई इंसान का जीवन लग जाता है और एट द एंड में उनको कुछ नहीं मिल पाता। और आपको ये पता होगा कि डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत 2030 तक IT सेक्टर ऑफ इंडिया वो हिस्ट्री बनने जा रहा है, ये नासकॉम का रिपोर्ट है। तो अभी कंप्यूटर साइंस में काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। तो अगर आप लोग इस तरीके से मन बनाते हैं, अगर आप लोग IIT NIT में है तो इसका मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आपको फर्स्ट ईयर में किस तरीके से स्टडी करना चाहिए। तो लेकिन आपको इसके लिए मुझे कॉमेंट करना पड़ेगा ताकि तभी मैं जान सकूँगा कि आप किस टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है। तो हर वो एक सपोर्ट जो आपको एक अच्छे कंपनी में प्लेस अगर आप होना चाहते हैं तो हर वो सपोर्ट आपको काफ़ी आसानी से IIT NIT में मिल जाता है। तो आपकी वो 2 साल की मेहनत, IIT JEE की मेहनत या फिर GATE की मेहनत, जब भी आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो अच्छा इंस्टीट्यूट ही आपको आज प्लेसमेंट के तौर पर काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करती है। अगर मैं आपको प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज में भी आपका ये कंडीशन होता है कि कुछ लोग आपके घर के आसपास के ही बोलते हैं कि ये लड़का प्राइवेट कॉलेज से ही किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या फिर किसी अच्छे कॉलेज में चला गया। उसका कारण ये नहीं होता है कि वो प्राइवेट कॉलेज की कोई योगदान होता है, वो एक सेल्फ स्टूडेंट का योगदान होता है कि वो इतना हार्ड वर्क किया कि वो उस कॉलेज को क्वालिफाई कर लिया। लेकिन हो सकता है कि अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में भी हो और अगर आप लोग गूगल या फिर फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी में जाना चाहते हैं तो टाइम तो लग सकता है, हो सकता है कि आपको जो काम IIT NIT में TPO और सीनियर कर देते हैं हो सकता है वो आपके कॉलेज में ना हो। लेकिन अगर आप खुद भी ये काम करना चाहते हैं, किसी अच्छे कंपनी में प्लेस होना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको टाइम लग सकता है क्योंकि आपके पास डायरेक्शन या फिर सपोर्ट नाम की कोई चीज़ ना हो। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है कि आप प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ते हुए आप एक अच्छे कंपनी में प्लेस हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।